YouTube चैनल आलोक इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबा कर रखें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अगली वीडियो देख सकें। देखिए स्ट्रीट लाइट वाला पैनल है, इसको हम खोल कर रिपेयर करेंगे। आज जल नहीं रहा था। ये इसका ग्लास है, इसको साइड में रखते हैं। यहाँ इसकी वायर लंबी, इसको काट कर छोटा कर देते हैं, एक्स्ट्रा वायर हटा देते हैं। देखिए हमारा ओपन हो गया। इस स्क्रू को खोल देते हैं। ये हमारा खुल गया। एक बार इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। एक बार करंट लगा देते हैं। कनेक्शन कर दिए इसका न्यूट्रल और फेस का। देखिए इसको हम चेक करते हैं। ये हमारा देखिए करंट दिखा रहा है, एसी डीसी। ये हमारा डीसी करंट है, देख लीजिए 72 आ रहा है, 72, 73, 78 वोल्ट तक आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये सारा सही है। ये इस पैनल का ड्राइवर है, ड्राइवर सही है। इसको हम खोल कर भी दिखा देते हैं। ऊपर एक स्टील की प्लेट लगी थी। एक बार इसका करंट चेक कर लेते हैं। हमारा न्यूट्रल फेस का करंट कितना आ रहा है? भी 220, 210 आ रहा है। ये इसका पैनल का ड्राइवर है, हम ड्राइवर आप लोगों को दिखाते हैं। ये इस पैनल का ड्राइवर है, देखिए इसको खोलते हैं। ये इस पे हीट सोखने वाला पेस्ट लगाया गया है, जिसे हीट सिंक पेट कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। वो खुल गया। अभी यहाँ पे आकर हम देखिए पैनल की लाइट चेक करते हैं। MCPCB, ये सारी लाइट जल रही है, जो नहीं जलेगी ये देखिए खराब है, डेड हो गई है। अब इसके वजह से ये सारी लाइन खराब हो जाएंगी, इसलिए इस पे हम निशान लगा लेते हैं। देखते हैं पहले इसमें कितनी लाइट खराब है। देखिए ये सारी सही है। देखिए लगता है एक गई, एक खराब है। वैसे हम जिस चीज़ से चेक कर रहे हैं इसकी वीडियो हम
हम पहले से ही बना रखे हैं। ये कैसे बनता है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। MCPCB चेक करने का तरीका, उसके नीचे हरा सा लिंक होगा, उसको टच करेंगे तो जिस चीज़ से हम चेक करें वही वीडियो दिखेगी आपको। ये देखिए एक लाइट और ख़राब है, जो जो ख़राब है उस पर निशान लगा देंगे, देखेंगे हमारी कितनी लाइट सही है कितनी ख़राब है। अगर आपके पास ये MCPCB का है लाइट तो आप दूसरा पत्ता लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो अगर दो चार लाइट ख़राब है तो उसको हटा कर सोल्डिंग कर देंगे और सारी लाइट सही हो जाएंगी, जलने लगेंगी। इन सारी लाइटों का सीरीज में कनेक्शन रहता है, इसलिए एक लाइट ख़राब होती है तो लाइन ख़त्म हो जाती है, उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। देखिए ऊपर से हम जो जो लाइट ख़राब है उसको हटा देंगे, देखिए हट गई। देखिए सारी लाइट हट गई। इसको हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे। अब इस पर हम थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा देंगे। ये सोल्डरिंग पेस्ट हमारा लग गया, थोड़ा सा ब्लेड से इसको साफ कर देंगे, फिर थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग कर देंगे। देखिए अब हमारी सारी लाइट जलने लगी, जो जो खराब थी उस पर हमने सोल्डर लगा दिया। हमारी सारी लाइट सही हो गई। आप लोगों का हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।